बड़वानी जिले में पिछले चार दिनों में नर्मदा का जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ गया है, जिसके चलते अचानक प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां राजगढ़ टापू बन चुका है, वहीं दूसरी ओर डूब प्रभावित अभी भी वहीं डटे हैं। बढ़ते नर्मदा के जल स्तर के बीच कलेक्टर ने बोट में राजघाट पहुंचकर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ में कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर के अनुसार फिलहाल पानी का लेवल 130 मीटर के आसपास है और वह ये देखने आए हैं कि यहाँ आसपास कहीं डूब प्रभावित लोग तो नहीं हैं, साथ ही यह कुछ समस्या तो नहीं। एक ओर जहाँ कलेक्टर बोट में घूमते नजर आए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाते भी नजर आए। अगर बात नर्मदा के जल स्तर की करें तो पिछले चार दिनों में 7 मीटर का जल स्तर बढ़ा है, जिसके चलते राजघाट पूरी तरह टापू बन गया है। राजघाट पुल पूरी तरह डूब चुका है, वहीं दत्त मंदिर लगभग आधा डूब चुका है। प्रशासन द्वारा डूब प्रभावितों को हटाने के लिए प्रयास जारी है और उनसे बातचीत की जा रही है। वहीं डूब प्रभावित संपूर्ण पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिलने की बात को लेकर अड़े हैं और हटने को तैयार नहीं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज मैं ये अपना जो नर्मदा का राजघाट है, इधर पानी का लेवल देखने आया था, तो लगभग 130 मीटर से अधिक लेवल यहाँ पर है और इस पानी के आसपास में कोई लोग प्रभावित तो नहीं है और कोई समस्या तो नहीं देखने के लिए आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।